यहाँ एक छोटे लड़के और हाथी के दरमियान गैर मुतवक्के दोस्ती के बारे में एक दिल दहला देने वाली कहानी है। हाथी सरगोशी करने वाला। एक छोटे से गांव में जो एक वसी जंगल की घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान वाके है, वहाँ एक 6 साला लड़का रोहन रहता था। इसकी रोशन आंखें हैरत से चमक उठी जब इसने अपने आसपास की दुनिया को तलाश किया। एक दिन जंगल में घूमते हुए रोहन ने रानी नामी एक शानदार हाथी को ठोकर मार दी। रानी, जो कभी अपने रेवड़ की काबिल फखर माँ थी, एक वहशियाना तूफान के दौरान अपने खानदान से बिछड़ गई थी। वो कई दिनों से अकेली घूम रही थी। इसका बड़ा जिस्म थका हुआ था और उसका दिल भारी था। जैसे ही रोहन करीब आया, रानी ने कुछ गैर मामूली महसूस किया, लड़के की बेखूफी और मेहरबानी। रोहन ने मोहतात अंदाज में अपना हाथ बढ़ाते हुए रानी को मुट्ठी भर रसीली बीर पेश किए। इसकी हैरत की वजह से रानी ने नरमी से तोहफा कबूल किया। इसकी सूंड उसकी कलाई के गिर्द लिपटी हुई थी। इसी लम्हे से रोहन और रानी लाजिम व मलजूम दोस्त बन गए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रोहन हर सुबह रानी के पास जाता, उसकी पसंदीदा दावतें लाता और उसकी नर्म आवाजें सुनता। इसे मालूम हुआ कि रानी को जंगल के परिंदों के मीठे गीत और अपनी पीठ पर सुनहरी सूरज की गर्मी बहुत पसंद थी। बदले में रानी ने अपनी हिकमत बताई, रोहन को जंगल के कदीम राज और खानदान की अहमियत के बारे में सिखाया। एक साथ उन्होंने ठंडी धुंध में हंसते और खेलते हुए छुपे हुए नदियों और छुपे हुए आबशारों को तलाश किया। रोहन के वालिदैन इसकी हिफाजत के बारे में फिक्रमंद, इसे जंगली हाथी से दोस्ती करने के खतरात के बारे में खबरदार किया। लेकिन रोहन जानता था कि रानी इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन एक तबाहकुन खुश्क साली ने जमीन को तबाह कर दिया। दरिया खुश्क हो गए और फसलें मुरझा गईं। देहातियों ने पानी तलाश करने के लिए जिदोजहद की और उनके जानवर कमजोर हो गए। रोहन जानता था कि रानी की सूंघने की शदीद हिस पानी के छुपे हुए जराए को तलाश करने में मदद कर सकती है। रानी के रास्ते में जाने के बाद रोहन और गांव वाले घने जंगल में से इसका पीछा करने लगे। घंटों तलाश के बाद रानी एक बजाहिर बंजर जगह पर रुकी और अपने दांतों को जमीन में खोद दिया। पानी निकलता है, सूखी जमीन को जिंदा करता है। गांव वालों ने खुशी का इजहार करते हुए रोहन और रानी की निजात के लिए शुक्रिया अदा किया। तब से रानी का कम्युनिटी के एक मुअज्जज रुकन के तौर पर खैर मकदम किया गया। जैसे जैसे रोहन बड़े होते गए, रानी के साथ इसका रिश्ता अटूट रहा। बरसों बाद जब रोहन एक मशहूर कंजर्वेशनिस्ट बन गया, तो उसने अपनी जिंदगी के काम को मुतासिर करने का सहरा रानी को दिया। रानी, जो अब एक बुजुर्ग माँ है, तरक्की करती रही। इसकी मीरास जंगल और उसकी शानदार मखलूकात की हिफाजत के लिए रोहन की अंथक कोशिशों के जरिए चल रही है। दी एंड।